तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इनफोटिकल चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में मैं आप सबके लिए कुछ ऐसा लेके आया हूँ जो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, अगर आप भी फोटोशॉप करते हो और आपको फोटोशॉप करना पसंद है, पिक्स एडिट करना पसंद है, तो आपने कभी ना कभी तो लाइटरूम जरूर यूज़ किया रहेगा। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि हम लाइटरूम में कुछ प्रीसेट्स इंस्टॉल करते हो, कुछ प्रीसेट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि हम अपने पिक्स पे कुछ स्पेशल इफेक्ट्स यूज डाल सके। ठीक है, तो उन प्रीसेट्स को हमें ज़्यादातर क्या करना पड़ता है, बाय करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी प्रोसेस बताऊंगा, ऐसा एक तरीका बताऊंगा जहाँ से आप उन सबको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उन सबको कहाँ से उसको कैसे डाउनलोड करना है वो करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी आपको सिंपली अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ठीक है, आप कोई भी अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर आपको एक वेबसाइट को सर्च करना है। ठीक है, आपको क्रिएटिव टेकॉस ये वेबसाइट है, इसको आपको सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो इसके नीचे एक लिंक दिख रहा है इधर, ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इधर ढेर सारी प्रीसेट्स आपको ओपन हो रही है। ठीक है, इधर आपको ढेर सारी प्रीसेट्स जो है फ्री में मिल जाएगी। तो अब इसमें से कोई भी एक आपको जो भी प्रीसेट्स पसंद है आप इसी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको इधर से एक प्रीसेट डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो सपोज़ मैं अभी करता हूँ, आपको दिखाने के लिए मैं अभी एक इधर से डाउनलोड करके दिखाता हूँ कोई भी। ठीक है, चलिए ये वाली करते हैं, देखिए ओपन हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको स्क्रॉल डाउन करना है। आपको जो उधर डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। ठीक है ना दोस्तों, आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और इधर आपको नीचे डाउनलोड 684 दिख रहा है। ठीक है, ये वाला आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वो डाउनलोड शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो पेज ओपन हो गए, तो ये आपका डाउनलोडिंग शुरू हो गया। ठीक है, आपका कुछ ही टाइम में जो आपने प्रीसेट डाउनलोड किए थे वो डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इधर कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। ऊपर देख सकते हैं आप इधर डाउनलोड प्रोसेस चल रहा है, ये देखिए डाउनलोड करने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए फाइल डाउनलोडिंग चालू हो गया। ठीक है, तो बस यही कुछ था जो आपको यहीं से करना था। ठीक है, तो यहीं से आपको ढेर सारे प्रोसेस मिल जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आप उन सबको अपने फ़ोटो पर यूज़ कर सकते हो। तो मैं उनमें से एक प्रीसेट आपको अभी अपने इसमें यूज़ करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, लाइटरूम ओपन करना है। अगर आपको लाइटरूम अभी तक इंस्टॉल नहीं किया आपने, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में से आपको लाइटरूम डाउनलोड करना है। ठीक है, या फिर आप सिंपली इधर LR टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और आप इधर से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको प्लस के ऊपर साइन करना है। ठीक है, देखिए इधर अभी तक वो डाउनलोड नहीं हुआ। ठीक है, तो जो हमने प्रीसेट अभी इधर डाउनलोड किया है, ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, वो एक जिप फाइल में आएगा। ठीक है, आपको वो एक जिप फाइल में ले गई, आपको उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो अभी हम कुछ टाइम वेट करते हैं, ये देखिए हो गया, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, नीचे आप इधर आपको एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, इस साइड ये देखिए, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हो गया पूरी तरह। तो आपको सिंपली अभी लाइटरूम में आना है अपने। ठीक है, लाइटरूम में आने के बाद प्लस के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो अभी फाइल अनजिप की, उसमें से जो भी हमने अभी लिया था उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमने जो प्रीसेट डाउनलोड किया था वो इधर है सब। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑस्टिन का एक है, तो ये वाला मैं ऐड करता हूँ, तो ऑल फोटोज़ में वो आ जाएगा। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं, देखिए आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली ऊपर जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद कॉपी सेटिंग पे क्लिक करना है, जो भी इधर अनटिक है उन सबको आपको टिक कर लेना है। ठीक है, और जो इधर टूल्स है उसके आगे आपको एक एरो दिख रहा है। ठीक है, इधर उस एरो पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है उसको अनटिक करना है और बैक आना है, उसके बाद सेव पे क्लिक करना है ऊपर, और फिर से आपको बैक आना है। उसके बाद फिर एक इमेज को आपको ऐड करना है। ठीक है, उससे पहले मैं ये पहले वाली इमेज को हटा देता हूँ, इसको नहीं,
हटा दिया। तो आपको क्या करना है, इधर एक इमेज को ऐड करना है जिसको आपको एडिट करना है, ठीक है। तो अभी हम एक इमेज लेते हैं कोई एडिट करने के लिए, सपोज ये वाला लिया, तो इसको ओपन करते हैं अपन, ठीक है। आपको फिर से थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और पेस्ट सेटिंग पे क्लिक करना है। तो ये देखिए पूरी तरह चेंज हो गई इमेज, ठीक है। और आप यही से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऑटो पे क्लिक करें, उसके बाद कलर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। आपके हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको जिस तरह की इमेज चाहिए उस तरह की, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हैं चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, उसके बाद टेंट को भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, सैचुरेशन को थोड़ा सा घटा देते हैं, बढ़ा के भी देखते हैं किस तरह दिखेगी, ये देखिए। उसके बाद आपको इसको नीचे लेना है, जो इधर मिक्स का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, आपको इसको ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। उसके बाद जो इधर आपको ग्रीन ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये वाला इधर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो ये वाला ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हुई का ऑप्शन ये वाला, आपको इसको कम करना है, इसको पूरा माइनस करना है 100%, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इधर पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, ठीक है। सैचुरेशन भी उसी तरह से आपको करना है, ठीक है। सैचुरेशन को आप पूरा बढ़ा दीजिए और लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये देखिए देख सकते इधर, ठीक है। उसके बाद आपको रेड कलर पे आना है, रेड कलर पे जो है उसको थोड़ा सा कम करिए, ठीक है। उसके बाद ब्लू कलर इसका हुई पूरा कम कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए सैचुरेशन को 100% बढ़ा दीजिए, ल्यूमिनस को बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये वाला कलर फिर, और ये देखिए फिर ये, अब देख सकते हैं इधर इमेज कैसी पूरी तरह चेंज हो रही है, ठीक है। चेहरे का कलर को आपको पूरा चेंज नहीं करना, ठीक है, इसलिए सैचुरेशन को आपको ठीक से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख सकते हैं इमेज पूरी तरह चेंज हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और साथ ही कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।